नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार से तो हर कोई वाकिफ है। बीते वक्त पंडित धीरेंद्र शास्त्री का नाम उस वक्त काफी सुर्खियों में आ गया था जब उन्हें महाराष्ट्र की एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चमत्कार सिद्ध करने की चुनौती दे दी थी। अब एक बार फिर उन्हें इसी तरह की एक चुनौती दी गई है। सेलिब्रिटी आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज किया है कि अगर उनके लिखे पर्चे को वो अपने पर्चे में लिखकर बता देंगे तो वो उन्हें 1 करोड़ रुपए की दक्षिणा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि पंडित धीरेंद्र शास्त्री सही जवाब नहीं दे पाए तो फिर उन्हें प्रकाश टाटा को सिर्फ 11 लाख रुपए ही देने होंगे। पेशे से आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा बॉलीवुड के कई सितारों से लेकर खिलाड़ियों तक को अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक करने का दावा करते हैं। उनसे इलाज कराने वालों में श्रीलंका क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या भी शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के रहने वाले आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने धीरेंद्र शास्त्री को अपनी संस्था आत्मसम्मान मंच मुंबई की ओर से चुनौती दी है। उनका कहना है कि उनका मकसद भारत में जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उसे हटाना है। अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई सिद्धि है तो मेरे लिखे पत्र और उनके भी लिखे गए पत्र को कंप्यूटर के जरिए स्कैन किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर एक समान ये होते हैं तो फिर मैं 1 करोड़ रुपए धीरेंद्र शास्त्री को दक्षिणा के रूप में दे दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मुझे सिर्फ 11 लाख रुपए दे दे और उन्हें मिलने वाली ये राशि नासिक के पास स्थित हनुमान जी के जन्म स्थान में रोड बनाने के लिए वो मुख्यमंत्री कोष में दे देंगे। आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने कहा कि अंधविश्वास देश में इस कदर फैला हुआ है कि मंच के जरिए भूत प्रेत भगाए जा रहे हैं। ये बात गलत है। इतनी बड़ी भीड़ में किसी की प्राइवेट बात को ओपन कर दिया जाता है, क्या गारंटी है कि ओपन की गई बात सत्य है? झूठ भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में बात ओपन करने से झूठ भी होने से सही मान लिया जाता है। इसी वजह से उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ ये आवाज उठाई है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आत्मसम्मान मंच के माध्यम से देशवासियों के लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूँ। टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे भारत के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मंच के माध्यम से भूत परीत जिन मसानों को भगाया जा रहा है, जबकि अंधविश्वास है। साथ ही मंच के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें लेकर आते हैं, उनकी प्राइवेसी बातों को ओपन कर देते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरी मन की बात अगर बता देते हैं, मैं एक लेटर लिखूंगा और वो सेम लेटर वो लिख के दें तो मैं 1 करोड़ का चेक मैं दूंगा। यदि वो नहीं बता पाए तब क्या होगा, वो मुझे सिर्फ 11 लाख दे। जो 11 लाख मुझे मिलेगा, नासिक के पास अंजनेरी एक स्थान है जहां हनुमान जी का जन्म स्थली है ऐसी मानता है, वह 11 लाख वहां की जो रोड है उखड़ी पड़ी हुई है अंजनेरी की, उस रोडों के निर्माण के लिए सुधार के लिए 11 लाख मुख्यमंत्री कोष में मैं दे दूंगा। वैसे धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दिए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। मैंने आपको बताया जैसे कि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उस समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया था कि उनके सामने वो अपनी सिद्धियां या चमत्कार करके दिखाएं। श्याम मानव की ओर से महाराष्ट्र जादू टोना एक्ट के तहत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन जांच के बाद नागपुर पुलिस ने इस आवेदन को खारिज करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी थी। बहरहाल अंधविश्वास को चुनौती देने के बहाने धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर इस तरह के लोग अच्छी खासी पब्लिसिटी जरूर कमा लेते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को दी गई इस चुनौती को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।